दोस्तों, सबसे पहले देश के 75वें आज़ादी दिवस के मौके पर मैं आप तमाम देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। टीवी वन चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं, डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद। इस मौके पर मुजनाचीज को यहां अपनी बात कहने का मौका मिला, इसके लिए मैं इस चैनल के रूहे रवा सुधीर शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यहां एक बात आपसे बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूं कि आज मुझे जिस शायर की हैसियत से आप सब लोग जानते हैं, वो पहचान मुझे उर्दू की वजह से मिली है, उर्दू मंचों की वजह से मिली है। और मुझे ये कहते हुए भी फ़ख्र महसूस होता है कि ये पहला हिंदी चैनल है जिसने मेरी काबिलियत देखकर मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, एक बात जो मुझे बहुत चुभती है, बहुत खलती है, वो ये है कि ऐसा आखिर क्या हो गया कि हमारे हिंदुस्तान में दूसरे कवि प्रदीप पैदा नहीं हुए। एक कवि प्रदीप हम दूसरा पैदा नहीं कर सके, क्यों नहीं? शायद इसलिए कि हम अपने आप से ईमानदार नहीं रहे। इसी कोशिश को जगाते हुए मैं एक नज्म आपको हाजिर करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बात आपके दिलों तक पहुंचेगी। मैंने कहा कि अब तो जागो वीर सपूतो, देश तुम्हें पुकार उठा, कवियों की कविता भी सोई, स्वाभिमान धिक्कार उठा। अब तो जागो वीर सपूतो, देश तुम्हें पुकार उठा, कवियों की कविता भी सोई, स्वाभिमान धिक्कार उठा। क्या श्वेत हुआ है लहू तुम्हारा या निरा हुआ ये पानी है? क्या श्वेत हुआ है लहू तुम्हारा या निरा हुआ ये पानी है? आजादी के लाल लहू की याद रही कुर्बानी है। अरे कैसे तुम उनको भूल गए, कैसे? अरे कैसे तुम उनको भूल गए जो आजादी के मतवाले थे, जान पे अपनी खेल गए जो भारत के रखवाले थे। घिसियाए हुए अंग्रेजों ने जब खून की होली खेली थी, भारत के इन्हीं शहीदों ने सीने पर गोली झेली थी। है लहू लुहान वो आजादी, अब खून के आंसू पीती है। है लहू लुहान वो आजादी, अब खून के आंसू पीती है। अमर शहीदों की आत्मा ना जगती है ना सोती है। अड़िग खड़ा जो सरहद पे वो प्रहरी तुम्हें पुकार उठा, कवियों की कविता भी सोई, स्वाभिमान धिक्कार उठा। अब तो जागो वीर सपूतो, देश तुम्हें पुकार उठा। यहां मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैं कुछ तल्ख हकीकत आपसे बयां करूंगा। एक कवि होने के नाते, एक शायर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है और मेरा अधिकार भी बनता है कि मैं सच आपके सामने रखूं। और सच ये है कि कहीं टूट रही अमन परस्ती, कहीं बेबस जिंदगी टूट रही। कहीं कहीं टूट रही अमन परस्ती, कहीं बेबस जिंदगी टूट रही, और कहीं मखमली चादर पर किस्मत किसी की फूट रही। अब सच ना तोड़ेगा दम अदालत की चौखट पर, ना झूठ जीत का जश्न मनाएगा, ना कोई दरिंदा जेल के भीतर ईद या दीपावली मनाएगा। है कसम तुम्हें शहीदों की, मंजिल तक तुमको जाना है। है कसम तुम्हें शहीदों की, मंजिल तक तुमको जाना है। भाषावाद और प्रांतवाद को जड़ से तुम्हें मिटाना है। भ्रष्टाचारी अब ना चलेगी, ये भ्रष्टों को बतला दो तुम। भ्रष्टाचारी अब ना चलेगी, ये भ्रष्टों को बतला दो तुम। अमन शांत का दीप जलाकर घर घर अलग जगा दो तुम। आज तीन में पला सपोला, आज तुम्हें फुफकार उठा, कवियों की कविता भी सोई, स्वाभिमान धिक्कार उठा। अब तो जागो वीर सपूतो, देश तुम्हें पुकार उठा। दोस्तों, माजी में, गुजरे वक्त में हमने बहुत सी ऐसी हकीकतें देखी हैं जो हलक से उतरते हलक को छील देती हैं। और तब मैंने कहा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तालीम दे रहे अंजाम उगलते अंगारे, झुलस रहा है शहर का चेहरा तपती चिंगारी में उजियारे। बारूद के ढेर पर बैठा है शहर, अपने ही दामन में शोले छुपा रहा। बारूद के ढेर पर बैठा है शहर, अपने ही दामन में शोले छुपा रहा। और धू धू कर जलती आग की लपटों को जनता के खून से बुझा रहा। है अमन परस्त पर कमजोर नहीं, ये दुनिया को बतलाना है। है अमन परस्त
पर कमजोर नहीं, ये दुनिया को बतलाना है, भारत माँ के चरणों में शत्रु का शीश झुकाना है। सरहद पे अदना सा दुश्मन आज तुम्हें ललकार उठा, कवियों की कविता भी सोई स्वाभिमान धिक्कार उठा। अब तो जागो वीर सपूतो देश तुम्हें पुकार उठा, कवियों की कविता भी सोई स्वाभिमान धिक्कार उठा। साथियों, हम अपने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मेरी हर रचना आपसे एक सवाल पूछती है कि क्या हमको वो मिला जिसके लिए हमने इतने संघर्ष किए, इतनी कुर्बानियाँ दी। इसी चीज़ को ख्याल रखते हुए मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है, मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जो भटके हुए हैं। मेरा मुद्दा, मेरी बात सीधे सीधे है कि आतंकवाद जो है ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में जितनी एकता है, जितना लोग मिलकर रहते हैं, मुझे लगता नहीं कि किसी दुनिया के किसी मुल्क में ये प्रेम मोहब्बत और कौमी यकजहती आपको मिलती होगी। इसी का ख्याल रखते हुए मैं एक रचना आपको देता हूँ कि खून का रंग एक है, कफन का रंग एक है, हिंदू हो या मुसलमान आंसुओं का रंग एक है। खून का रंग एक है, कफन का रंग एक है, हिंदू हो या मुसलमान आंसुओं का रंग एक है। ना बहाओ अपनों का खून यूं समझ के दुश्मन जख्म से, ना बहाओ अपनों का खून यूं समझ के दुश्मन, हिंदू हो या मुसलमान जख्म से बहते रक्त की धाराओं का रंग एक है, खून का रंग एक है। दोस्तों, मेरी रचना उस वाक्य की तरफ इशारा करती है, आपको याद दिलाती है कि एक दौर ऐसा था कि स्टेटमेंट ये व्याख्या आया करती थी कि हम इसलिए आतंकवाद कर रहे हैं, इसलिए हम जिहाद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ऐसी कोई दिक्कत कभी नहीं है, ना है ना होगी। मैंने तब कहा कि जमी एक है, फलक एक है, जमी एक है, फलक एक है, और फलक पे चमकता चंद्रमा एक है। फिर चाहे मैं कहूँ हिंदू या तुम कहो मुसलमान, पर ईश्वर ने बनाया इंसान एक है। जमी एक है, फलक एक है, फलक पे चमकता चंद्रमा एक है। फिर चाहे मैं कहूँ हिंदू या तुम कहो मुसलमान, पर ईश्वर ने बनाया इंसान एक है। ये खून खराबा बंद करो, ये कत्लेआम तुम बंद करो, ये खून खराबा बंद करो, ये कत्लेआम तुम बंद करो, बंद करो ये मारा मारी, ये मार काट तुम बंद करो, बंद करो ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी तुम बंद करो, बंद करो ये बंद करो ये खेल मौत का, ये नंगा नाश तुम बंद करो। न बुझाओ अपनी बंदूक की प्यास यूं इंसानी खून से समझ के दुश्मन, न बुझाओ अपनी बंदूक की प्यास इंसानी खून से यूं समझ के दुश्मन, बारूद के ढेर में जिंदा दफन, बेगुनाहों का रंग एक है, खून का रंग एक है, कफन का रंग एक है, हिंदू हो या मुसलमान आंसुओं का रंग एक है। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात यूं भी है कि हर खुशी एक है, हर गम एक है, हर खुशी एक है, हर गम एक है, और जज्बातों में डूबा दर्द का ये आलम एक है। फिर चाहे मैं मनाऊं दिवाली या तुम मनाओ ईद, मगर घर घर में पसरा मौत का ये मातम एक है। नफरत की दीवार गिरा दो, सरहद की बंदिशें तोड़ दो, नफरत की दीवार गिरा दो, सरहद की बंदिशें तोड़ दो, कर्म कोई ऐसा कर चलो कि दो टूटे दिलों को जोड़ दो। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि दहशतगर्दी से दिलों को जीता नहीं जाता। अगर जीतना है दिल हमारा तो आतंकवाद की राह छोड़ दो। ऐ भटके हुए कदमों, अब भी वक्त है, घर वापस लौट जाओ। ऐ भटके हुए कदमों, अब भी वक्त है, घर वापस लौट जाओ। यो बेगुनाहों की निर्मम हत्या कोई गर्व की बात नहीं। ना उजाड़ो अपनी बहन बेटियों के मांग का सिंदूर, यूं समझ के दुश्मन, हिंदू हो या मुसलमान, वक्त की मारी इन बेवाओं का रंग एक है, खून का रंग एक है, कफन का रंग एक है, हिंदू हो या मुसलमान आंसुओं का रंग एक है, हिंदू हो या मुसलमान आंसुओं का रंग एक है। और जो अगली बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उस बात के लिए मैं हमारे जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी समाज के ठेकेदार हैं, उन सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ
मुझे तो आंसर नहीं मिला, मुझे उत्तर नहीं मिला। अगर आपके पास हो तो आप मुझे ज़रूर दीजिए, उस पर आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बात मैं सिर्फ बहुत छोटी सी यूँ कहना चाहता हूँ कि हर जख्म एक है, हर चीख एक है, और हर चीख से मचा हाहाकार एक है। हर जख्म एक है, हर चीख एक है, हर चीख से मचा हाहाकार एक है। कहीं पड़ा है सर तो कहीं धड़ पड़ा है, अर्धजली लाशों का लगा ये अंबार एक है। अगर आपने बॉम ब्लास्ट का सीन देखा होगा तो आपको याद होगा कि हर जख्म एक है, हर चीख एक है, और हर चीख से मचा हाहाकार एक है। कहीं पड़ा है सर तो कहीं धड़ पड़ा है, अर्धजली लाशों का लगा ये अंबार एक है। और जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो सवाल ये है कि लो चिथड़े चिथड़े बीन बीन कर एक मुर्दा तो हमने बना दिया, लो चिथड़े चिथड़े बीन बीन कर एक मुर्दा तो हमने बना दिया, क्या नाम है इसका पता नहीं पर अर्थी के लायक बना दिया। क्या धर्म है इसका कौन है ये आखिर कैसे पहचाना जाएगा, क्या धर्म है इसका कौन है ये आखिर कैसे पहचाना जाएगा। करना होगा इसे अग्नि के सुपुर्द या सुपुर्द खाक किया जाएगा। ना बनाओ किसी बाप को कहार अपने ही बेटे की अर्थी का, न बनाओ किसी बाप को कहार अपने ही बेटे की अर्थी का। कांधे पर बेटे का जनाजा और हर कदम पर दम तोड़ती जिंदगी, हिंदू हो या मुसलमान बूढ़े बाप की आंख से बहते आंसुओं का रंग एक है, खून का रंग एक है, कफन का रंग एक है। हिंदू हो या मुसलमान आंसुओं का रंग एक है, आंसुओं का रंग एक है। साथियों ये दर्द यहीं ख़त्म नहीं होता है, ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और मैं 26/11 में पहुंच गया। होटल ताज का मंजर किसको याद नहीं होगा, मुझे भी याद है। और मुझे ये भी याद है कि हमारे एक साथी जिनके नाम से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है वो भी उसमें शहीद हुए थे, और उनकी आखिरी गोष्ठी, ये मैं सुधीर शर्मा जी को ख़ास तौर से याद दिलाना चाहूँगा कि उनकी आखिरी गोष्ठी इस नाचिस के घर पर थी और उसके बाद में वो इस हादसे का शिकार हो गए। तब ये बात मेरे जहन में आई कि गम के बादल दर्द की बारिश और सुलगती रातें भी, गम के बादल दर्द की बारिश और सुलगती रातें भी, तन्हाई के इस आलम में साथ तुम्हारी यादें भी। हद नज़र तक आग का दरिया, हदे नज़र तक आग का दरिया, जहर उगलती तहरीरें, हर नुक्कड़ पर मौत खड़ी थी और इंसानी लाशें भी। दौलत और शोहरत के आगे हर रिश्ता बेमानी है, माँ की रिदा नीलाम हो गई, बिक गई बाप की आंखें भी। गम के बादल दर्द की बारिश और सुलगती रातें भी, तन्हाई के इस आलम में साथ तुम्हारी यादें भी। हद नज़र तक आग का दरिया, जहर उगलती तहरीरें, हर नुक्कड़ पे मौत खड़ी थी और इंसानी लाशें भी। दौलत और शोहरत के आगे हर रिश्ता बेमानी है, माँ की रिदा नीलाम हो गई, बिक गई बाप की आंखें भी। मुझे कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि आजकल जितने वृद्धाश्रम बन रहे हैं उतने हॉस्पिटल नहीं बन रहे हैं। क्या इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं? इसी दर्द को लेते हुए मैंने गज़ल कभी कही थी कि अपाहिज बाप को बेटा अकेला छोड़ जाता है, अपाहिज बाप को बेटा अकेला छोड़ जाता है, मुसीबत में तो अक्सर साथ साया छोड़ जाता है। किस तरह से अपाहिज बाप को बेटा अकेला छोड़ जाता है, मुसीबत में तो अक्सर साथ साया छोड़ जाता है, और घनेरा होश अजर कितना न हो शादाब अगर शाखें। अपने अपने गांव मोहल्लों में, कम से कम गांव में आपने देखा होगा कि कभी कोई पेड़ जो बहुत हरा भरा हुआ करता था उस पर बहुत परिंदे आके बैठा करते थे, सूख जाने के बाद उस पर एक चिड़िया भी आके नहीं बैठती है। तो क्या हम ऐसे परिंदे हो गए, हम ऐसे परिंदे हो गए? मैंने कहा कि अपाहिज बाप को बेटा अकेला छोड़ जाता है, मुसीबत में तो अक्सर साथ साया छोड़ जाता है, घनेरा होश अजर कितना न हो शादाब अगर शाखें, परिंदा ऐसी शाखों पर फिर आना छोड़ जाता है। और शेर सुनिए कि उठा पाता नहीं खाली शिकम पेट,
उठा पाता नहीं खाली शिकम जब बोझ बस्ते का मिटाने भूख बचपन की वो बस्ता छोड़ जाता है, मिटाने भूख बचपन की वो बस्ता छोड़ जाता है, और कलम होना था जिसके हाथ में थामे है वो खंजर, कलम होना था जिसके हाथ में थामे है वो खंजर, कहीं इल्म अदब का अपना रास्ता छोड़ जाता है, मुसीबत में तो अक्सर साथ साया छोड़ जाता है। जुनू जुनू सर पे चढ़ा जाए है पाने के लिए मंजिल जो है बाजर्फ वो सबका सहारा छोड़ जाता है, जो है बाजर्फ वो सबका सहारा छोड़ जाता है। और एक शेर हमारे उन सिपाहियों के लिए जो सरहद पे अपनी जान कुर्बान करते हैं हमारे हमको सुरक्षित रखने के लिए। मैंने कहा कि हिफाजत मुल्क की करता है अंतिम सांस तक अपनी, हिफाजत मुल्क की करता है अंतिम सांस तक अपनी, मगर पीछे बिलखता एक रिश्ता छोड़ जाता है। हिफाजत मुल्क की करता है अंतिम सांस तक अपनी, मगर पीछे बिलखता एक रिश्ता छोड़ जाता है। दरारें अपने घर की बेपर्दा दहलीज तक आए, दरारें अपने घर की बेपर्दा दहलीज तक आए, उसी चौखट पे वाहिद आना जाना छोड़ जाता है, मुसीबत में तो अक्सर साथ साया छोड़ जाता है। घनेरा होश अजर कितना नहो शादाब अगर शाखें, परिंदा ऐसी शाखों पर फिर आना छोड़ जाता है। मैंने कहा था कि हिफाजत मुल्क की करता है अंतिम सांस तक अपनी, मगर पीछे बिलखता एक रिश्ता छोड़ जाता है। वो कौन सा रिश्ता छोड़ जाता है भाई, कौन लोग हैं ये हमारे? ये वही सुरक्षाकर्मी हैं, हमारे यही सरहद पर प्रहरी हैं, जो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी अपनी हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। सुख भोगना उनको भी आता है, आपको ही एसी की ठंडी हवा खाना अच्छा लगता है ऐसा नहीं है, उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन उनका धर्म और उनका कर्म है देश की सुरक्षा करना। मैं उसी आज़ादी की बात कर रहा हूँ और मैं पूरे दौर में उसी आज़ादी की बात करता रहूँगा। मैं उनके दिल के दर्द को समझने की कोशिश करता हूँ, और तब मैंने बात कही। आप यूँ देखिए कि एक सैनिक, एक सिपाही जो सरहद पर है वो क्या क्या झेलता है। कौन जाने कि मेरे दिल में हैं छाले कितने, पी गया हंसते हुए जहर के प्याले कितने। सरहद पर जो सिपाही है वो किस दौर से गुजरता है, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं हमको और आपको नहीं मालूम, ये उसको मालूम है। कौन जाने कि मेरे दिल में हैं छाले कितने, पी गया हंसते हुए जहर के प्याले कितने। मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया, मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया, थे मेरे सामने सोने के निवाले कितने। मैं भी आपकी तरह आईएएस आईपीएस होकर, मैं भी कोई बड़ा अफसर होकर किसी ऑफिस में बैठ सकता था, लेकिन मैंने ये चुना कि मैं अपने देश की हिफाजत में काम करूंगा और अपना जीवन वहां लगाऊंगा। तब ये बात निकल के आती है कि कौन जाने कि मेरे दिल में हैं छाले कितने, पी गया हंसते हुए जहर के प्याले कितने। मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया, थे मेरे सामने सोने के निवाले कितने। और शेर सुने, उनका दर्द अगर आप तक पहुंचे तो अपनी मोहब्बतों से नवाजिए कि दर्दो गम रंजो अलम आहो फुगा और आंसू, दुनिया भर का दर्द चीख पुकार, दर्दो गम रंजो अलम आहो फुगा और आंसू, हैं मुसीबत में मेरे चाहने वाले कितने, और अहदे हाजिर के अंधेरों जरा ये भी देखो, अहदे हाजिर के अंधेरों जरा ये भी देखो, हैं मेरी आंखों में खुश रंग उजाले कितने। ऐ अहिंसा के मुखालिफ तुझे एहसास भी है। हमारे बीच कुछ ऐसी दुखी आत्माएं होती हैं जिनको अमन और चैन पसंद नहीं आता है, लोगों का सुकून अच्छा नहीं लगता है, लोगों को लड़ाने में, बवेला पैदा करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको
अमन के मुखालिफ ही कहता हूँ कि ऐ अहिंसा के मुखालिफ तुझे एहसास भी है मस्जिदें कितनी जली और शिवाले कितने। ऐ अहिंसा के मुखालिफ तुझे एहसास भी है मस्जिदें कितनी जली और शिवाले कितने। वक्त ने हर लम्हा दे करके तरक्की के फरेब, वक्त ने हर लम्हा दे करके तरक्की के फरेब, उजले तन वालों के मन कर दिए काले कितने। और ढूंढने उनको मैं निकला तो कहूँ क्या वाहिद, फूट कर रोए मेरे पाँव के छाले कितने। कौन जाने कि मेरे दिल में हैं छाले कितने, पी गया हंसते हुए जहर के प्याले कितने। मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया, थे मेरे सामने सोने के निवाले कितने। साथियों, जिस दर्द को सहकर हमारे सैनिक हमारी हिफाजत करते हैं, मुझे कहने में कुछ गुरेज नहीं होगा कि हमारी राजनीति कई बार उसका बहुत दुरुपयोग करती है, या मैं कहूं कि उसकी उतनी इज्जत नहीं करती है। ये मेरा अपना दर्द है, मैं चाहता तो हूँ कि आप उससे इत्तेफाक रखें, अगर न रखें तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन बात में ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं मुंबई शहर से वाबस्ता हूँ, मुंबई हलचल का शहर है, यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। इसी एतवार से एक गज़ल हाजिर करता हूँ, और गज़ल से पहले एक किताब को देता हूँ, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कारवां आगे, वैसे वैसे मेरी गज़लों में उर्दू का समावेश बढ़ता जाएगा। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप उर्दू में गज़लें कहते हैं या हिंदी में, तो मेरा उनको यही जवाब है कि मैं हिंदुस्तानी भाषा में गज़लें कहता हूँ। कोई भाषा किसी मज़हब की असासा नहीं होता है, मज़हब का असासा नहीं होता है, मज़हब से उसकी जोड़ नहीं होता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी हर भाषा हमारी अपनी भाषा है। और तब मैंने कहा कि चाक दामन दिले सदचाक लिए फिरता हूँ, चाक दामन दिले सदचाक लिए फिरता हूँ, उजड़े गुलशन की बची खाक लिए फिरता हूँ। कोई तो किस्सा गम आके सुनेगा वाहिद, बेसदा लप्त है अफलाक लिए फिरता हूँ। कोई तो किस्सा गम आके सुनेगा वाहिद, बेसदा लप्त है अफलाक लिए फिरता हूँ। और तब ये गजल मैंने कही कि शहरे आशोबता तेरी कहानी लिख दूं, शहरे आशोबता तेरी कहानी लिख दूं, कुछ तेरी और मैं कुछ अपनी जुबानी लिख दूं। शेर सुने, लकड़ी की तरह ये जलते हुए पत्थर के मकान, लकड़ी की तरह ये जलते हुए पत्थर के मकान, क्यों ना इनको भी सियासत की निशानी लिख दूं। लकड़ी की तरह ये जलते हुए पत्थर के मकान, क्यों ना इनको भी सियासत की निशानी लिख दूं। शेर सुने और शेर का दर्द समझें कि हर तरफ आहो फुगां और ये धुंधकते मंजर, हर तरफ आहो फुगां और ये धुंधकते मंजर, शब गजीदा तेरे हाथों की निशानी लिख दूं, शब गजीदा तेरे हाथों की निशानी लिख दूं। और शेर सुने बतौर खास, शेर सुने बतौर खास कि प्यास मजहब की बुझाएगा लहू का दरिया, प्यास मजहब की बुझाएगा लहू का दरिया, कैसे इस बहते हुए खून को पानी लिख दूं। शहरे आशोब बता तेरी कहानी लिख दूं, कुछ तेरी और मैं कुछ अपनी जुबानी लिख दूं। लकड़ी की तरह ये जलते हुए पत्थर के मकान, क्यों ना इनको भी सियासत की निशानी लिख दूं। और शेर सुने कि वो शिगाफों में छुपाए है जो असमत अपनी, शिगाफे चिथड़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं लेकिन अपनी इज्जत को फिर भी बचा के है। हम आज़ादी की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ मंजर ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जब ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं तो उस आज़ादी पर भी सवाल उठता है कि क्या हम वाकई आज़ाद हो गए, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, क्या हम जहनी तौर पर भी आज़ाद हुए। तब ये शेर आता है कि
शिगाफों में छुपाए है जो अस्मत अपनी चांदनी रात, तेरी काली कहानी लिख दूं। शिगाफों में छुपाए है जो अस्मत अपनी चांदनी रात, तेरी काली कहानी लिख दूं। और किस तरह बर्बाद किया था तूने मुझे जालिम, किस तरह बर्बाद किया था मुझे तूने जालिम। याद आया कि कहानी वो पुरानी लिख दूं, याद आया कि कहानी वो पुरानी लिख दूं। और शेर देखें कि वो मचल जाती है आगोश में लेने को मुझे, वो मचल जाती है आगोश में लेने को मुझे। क्यों ना इस मौत को ही अपनी दीवानी लिख दूं, वो मचल जाती है आगोश में लेने को मुझे। क्यों ना इस मौत को ही अपनी दीवानी लिख दूं। और शेर सुने कि आन पे आऊं तो पलट दूं दुनिया का नक्शा, आन पे आऊं तो पलट दूं दुनिया का नक्शा। कतरे कतरे में समुंदर की रवानी लिख दूं, आन पे आऊं तो पलट के रख दूं दुनिया का नक्शा, कतरे कतरे में समुंदर की रवानी लिख दूं। और शेर गजल का मकता हाजिर है कि रख दूं अशार में अल्फाज के मोती वाहिद, रख दूं अशार में अल्फाज के मोती वाहिद। और गजलों की जबीनों पे मानी लिख दूं, शहरे आशो बता तेरी कहानी लिख दूं, शहरे आशो बता तेरी कहानी लिख दूं, कुछ तेरी और मैं कुछ अपनी जुबानी लिख दूं। दोस्तों, हम 75वीं सालगिरह बना रहे हैं हमारी आज़ादी की, और आजकल जिस तरह के हालात हमारे देश में हो जाते हैं गाये बगाहे, तो सवाल ये उठता है कि हम कहाँ पहुँचे, कहाँ से चले थे और कहाँ तक आके पहुँचे हैं। इसी पे मैं एक गज़ल और आपके हुजूर पेश करता हूँ, आपकी मोहब्बतें चाहूँगा। मैंने कहा कि अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन, अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन, खौफ की शमय बुझाओ कि झुलसता है वतन, अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन, खौफ की शमय बुझाओ कि झुलसता है वतन। जहर आलूद हवाएं तो हैं पहले ही बहुत, नफरत बहुत घुली हुई है और घोलने की जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहना भी बहुत जरूरी है। जहर आलूद हवाएं तो हैं पहले ही बहुत, अब ना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन, अब ना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। और शेर सुने कि गुंचे बेनूर हुए और फजाएं बेकैफ, ना फूलों में वो रंग है ना नूर है, ना हवाओं में वो महक है ना वो खुशबू है। गुंचे बेनूर हुए और फजाएं बेकैफ, कैफियत इनकी बचाओ कि झुलसता है वतन, कैफियत इनकी बचाओ कि झुलसता है वतन। जुल्मत अंधेरे को बोलते हैं, शेर यूं है कि जुल्मतें दूर हों जागे कोई उम्मीदे सहर, कोई तो ऐसा सवेरा आए जहाँ उम्मीद की कोई किरण दिखाई दे। जुल्मतें दूर हों जागे नई उम्मीदे सहर, कोई बीड़ाए उठाओ कि झुलसता है वतन, कोई बीड़ाए उठाओ कि झुलसता है वतन। और एक शेर सुने, हमारे जितने भी निज़ाम हैं और उनके जितने भी नाजिम हैं, जितने उनके सदर हैं जो हमारी व्यवस्था चलाते हैं, उनसे एक सवाल है, मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास जवाब होता मुझे ज़रूर दीजिए कि मुनसिफों होगी कहाँ तक ये अदालत मनसूख, तारीख पे तारीख कितनी तारीखें पड़ेंगी, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। मुनसिफों होगी कहाँ तक ये अदालत मनसूख, सच से पर्दा उठाओ कि झुलसता है वतन, मुनसिफों होगी कहाँ तक ये अदालत मनसूख, सच से पर्दा उठाओ कि झुलसता है वतन। और शेर सुनिए कि हाथ जलते हैं तो जल जाएं भले ही यारो, हाथ जलते हैं तो जल जाएं भले ही यारो, आग नफरत की बुझाओ कि झुलसता है वतन,
आग नफरत की बुझाओ कि झुलसता है वतन, और प्यास इतनी ना बढ़ाओ कि लहू पीना पड़े। प्यास प्यास इतनी ना बढ़ाओ कि लहू पीना पड़े, प्यास पानी से बुझाओ कि झुलसता है वतन। प्यास पानी से बुझाओ कि झुलसता है वतन। और दोस्तों, देश के 75वें आज़ादी के दिवस पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, और वो सवाल बहुत ख़ास और बहुत छोटा है। छोटा तो नहीं है, सवाल ये है कि भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद, मेरी बात आप तक पहुँचे तो अपनी मोहब्बतों से ज़रूर नवाजिए। भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद, बच्चियां घर में छुपाओ कि झुलसता है वतन। भेड़िए भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद, बच्चियां घर में छुपाओ कि झुलसता है वतन। अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन, खौफ के शमय जलाओ कि झुलसता है वतन। कि जिस आज़ादी के लिए हमने इतनी जद्दोजहद की, हमने इतनी कुर्बानियां दी, हमने इतने त्याग किए, क्या आज हमें वो आज़ादी मिली है जिसके हकदार थे? क्या वो आज़ादी हमको मिल पाई? मेरा ये मक्ते का शेर यही प्रश्न आपसे करता है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब ढूंढ कर मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे ना बताएं, अपने आप से सवाल करें, अपने आप को बताएं। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।